मेरा नाम बडीरा नसरत बिनते मोहम्मद इमद सिद्दीकी हज़र मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी गुज़ारी करने का बेहतरीन तरीका क्या है अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी गुज़ारी का बेहतरीन तरीका ये है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें तो उस वक्त जो अल्लाह फजल आप किए हैं उनको हमेशा याद रखें हैं और अगर कभी थोड़ी सी मुश्किलात भी पैदा हो जाएँ तो उसको बर्दाश्त करने की आदत डालें क्योंकि अल्लाह ताला ने और बहुत सारे फ़जल किए हुए हैं उन फ़जलों को हमेशा याद रखना चाहिए ठीक है कभी अगर थोड़ी सी बहुत कहीं तकलीफ़ में इंसान इंसान पड़ जाए तो फिर उसको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फ़ज़ल भी तो बहुत सारे किए हैं कहते हैं कि एक बादशाह था उसके पास कहीं से ख़ुरबूजे की किस्म का फल आया उसने काट के अपने एक लरबारी को दिया और उसने उसको खाया और माशाल्लाह माशाल्लाह करके खा गया लेकिन वो बड़ा कड़वा फल था हैं? तो बादशाह ने जब ख़ुद खाया उसको देख के कि ये तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे मैं भी खा के देखूं, जब उसने उसको खा के देखा काश तो कड़वी थी उसने कहा तुम क्या तारीफ़ें कर रहे हो ये तो बड़ा सख्त कड़वा और बदम चीज़ है तो उसने कहा कि आप, अब तक, आप तक आपने मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दी बेशुमार चीज़ें दी और मुझ पर बड़े आसान किए अगर आज मुझे कोई कड़वी चीज़ खिला दी तो इसका मैं मैं ना शुक्रगुजार नहीं बनना चाहता कि ना शुक्रगुजारी करूँ और इसको कड़वा कड़वा कह के थू थू कर देता जब आपने बहुत सारे आसान मुझ पर पहले किए हुए हैं तो आज अगर कोई कड़वी चीज़ अगर आपने दे दी और आपको पता भी नहीं था तो मेरा हक़ नहीं बनता कि मैं इसका इनकार करता या उस पर कोई इतराज़ करता और थूक थूक देता उसको इसलिए मैंने खुशी से खा लिया कि आपके जो एहसानात हैं उसकी शुक्रगुज़ारी यही है कि आज मुझे कोई कड़वी चीज़ भी मिली है तो मैं खा लूँ आराम से तो इस ये सोच होनी चाहिए इंसान की शुक्रगुज़ारी की ठीक है जी तो जब इस तरह इंसान शुक्रगुज़ारी करे अल्लाह के एहसानों को हमेशा याद रखे और छोटी छोटी तकलीफों को भी बर्दाश्त कर ले और अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह मियाँ तेरे तो बड़े मुझ पर एहसान हैं अब भी मुझ पर एहसान कर रहम कर और मेरी इस तकलीफ को दूर कर लेकिन ये शिकवा ना कर करे इंसान कभी कि अल्लाह मियाँ तूने तो किस मुसीबत में मुझे डाल दिया है मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि क्या, क्या इस तरह ही तू तो तकलीफ़ों में डालता है मुझे इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं है सही है समझ आई जी और जो मिले जो मिले उसको आसन रंग में कबूल करो इसलिए एक हदीस में आया है कि जो इंसान को जो दुनियावी मामलात हैं अगर उसमें हमेशा अपने से नीचे को देखना चाहिए जो दुनिया माम के मामला अगर बजाय इसके कि आपके पास अगर कोई दुनियावी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो आप ये देखने के देखो जी फला आदमी के पास बड़ा पैसा है और वो लड़की या औरत जाती है बाज़ार से जो चाहती है ख़रीद लाती है जेवर ले आती है और पसंद की चीज़ें ले आती है मेरे पास पैसे नहीं हैं है? और फिर उसके ऊपर कुड़ना और जलना और तकलीफ़ का एहसास करना शुरू कर दो तो आंसर ने फरमाया कि ये अच्छी बात नहीं है शुक्रगुजारी ये है कि तुम ये देखो कि अल्लाह तुम्हें बहुत से लोगों से बेहतर बनाया जो तुम्हारे से नीचे लोग हैं गरीब लोग हैं जिन बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको खाने को खाना नहीं मिलता जिनको एक वक्त खाना मिलता है बाज़ों को एक वक्त भी खाना नहीं मिलता यहाँ यूरोप में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बावजूद इसके बहुत फराखी है यहाँ दौलत है पैसा है खाना है फिर भी भूखे मरते हैं बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोग हैं जो भूखे सोते हैं रात को शुक्र जारी करें खाना खाते हुए शुक्रगुजारी करें कि अल्लाह ताला ने मुझे खाना दिया इसी तरह दुनिया दुनियावी मामला में अपने से नीचे को देखें कि मैं उनसे बेहतर हूँ और अल्लाह का फिर हम करें और शुक्र करें लेकिन आपने फरमाया कि जो दीनी मामलात हैं उसमें से अपने से ऊपर वाले को देखो ये देखो कि दीनी लिहाज से और अल्लाह से तल्लु के लिहाज से नेकियां करने के लिहाज से तुम्हारे से बेहतर कौन है और फिर कोशिश करो कि तुम भी उस जैसे बनो या उससे बेहतर बनो बस दीनी मामला में अपने से ऊपर वाले को देखो और दुनियावी मामला में अपने से नीचे वाले को देखो तब सही शुक्रगुजारी की आदत पड़ेगी